हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है शूट डे, तो मैं आज होटल से ही रेडी होके जाऊंगी। तो अभी मुझे पहले मेकअप करना है, उसके बाद मैं ड्रेस पहनूंगी एंड उसके बाद मैं जाऊंगी शूट पर। सो अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया है एंड मेकअप करने से पहले मैं ये सीरम अप्लाई करूंगी, जो कि है ये प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनेमाइड 10% सीरम। इस सीरम में नाइसिनेमाइड राइस फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट, स्क्वालिन, नेचुरल कैफीन, विटामिन ई जैसे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है। नाइसिनेमाइड वाटर सॉल्यूब फॉर्म में विटामिन B3 का जो स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन बैरियर को इम्प्रूव करता है, सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, एक्ने वाले स्किन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। साथ ही इसमें राइस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट भी है जो मिनिमाइज करता है फाइन लाइन और रिंकल को। इसमें स्क्वालिन भी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होता है जो स्किन को हाइड्रेट भी करता है और नरिश भी करता है। नेचुरल कैफीन एंड विटामिन ई भी है जो स्किन को सूट डाउन करता है और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। और ये प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस फ्री, नो एसेंशियल ऑयल एडेड नहीं है, 100% वीगन, पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। इस सीरम को मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है, स्किन पर इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। इस सीरम को यूज करने के बाद जो मेरे सन से स्किन डैमेज हुआ था तो उसमें भी मुझे डिफरेंस दिखा है, और ये सीरम मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है और मेरे स्किन टोन को भी इवन करता है। इस सीरम को यूज करने के बाद मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हैं अपने फेस पे और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इनका एक इनिशिएटिव है MT4Good, उसमें आप इनके जितने भी एम्प्टी बोतल्स एंड जार होते हैं जिसमें प्रोडक्ट आता है पैक होके, उसको आप वापस बेच के रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं और प्लम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी रिडीम कर सकते हो। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर 10% डिस्काउंट, और आप गुडनेस लैंड रिवॉर्ड के जरिए कैशबैक, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और रिवॉर्ड पॉइंट भी जीत सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए एंड परचेज कीजिए। तो मैंने सीरम अप्लाई कर लिया है और अब भी मैं करने वाली हूँ मेकअप एंड उसके बाद मैं ड्रेस पहनूंगी एंड उसके बाद मैं जाऊंगी। सो यस, जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट रेडी होने के बाद ही मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने मेकअप कर लिया है, सो अभी मैं ड्रेस पहनूंगी एंड उसके बाद मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। सो गाइस, ये है मेरा आउटफिट, तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। सो मेरे को कमेंट में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सो मैं आपको डायरेक्ट सेट पे मिलती हूँ। सो यस, बाय बाय। तो गाइज, हम लोग सेट पर पहुंच चुके हैं एंड आज हम लोग कंटेस्टेंट एरिया में बैठ रहे हैं क्योंकि जो पेरेंट्स एरिया था वहाँ पे गणपति है इसलिए। और अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, सामान शुरू नहीं हुआ है, तो हम लोग लास्ट रो में बैठे हैं पेरेंट्स लोग सब। तो अभी जब शूट स्टार्ट होगा तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हो। ऐसे तुझे देख रही हूँ मैं, आज वर्षा स्मार्ट लग रही है, आज वर्षा अच्छी लग रही है, नहीं आज वर्षा अच्छी लग रही है। विशाल और सुमन आगे बैठे हैं। सुमन, ये कैसे घुमाते, ये तेज तेज। और विशाल, किशन सर, सुंदरी आ गई। सुंदरी, आप क्या बनी हो? मैं रिद्धि सिद्धि। मैं रिद्धि सिद्धि। सोच
तो गाइस आज मेरे स्टूडियो में वो आए जिन्होंने अपना शर्ट का बटन कभी नहीं नापा। आओ मिलते हैं वन एंड ओनली आकाश थापा। हेलो। ये बाल आपने कैसे रखे, मतलब क्यों रखे थे? आपने पैसे दिए, मेरी मर्जी। कट कर दे, कट बोलते बाल। अरे वो मारने आया भाई। हां वैसे भी शर्ट का बटन कभी नहीं नापा। आपने पहले ही काट दिया। आओ मिलते हैं वन एंड ओनली आकाश थापा। हेलो। ये बाल आपने कैसे रखे, मतलब क्यों रखे थे? आपने पैसे दिए, मेरी मर्जी। कट कर दे, कट बोलते बाल। अभी अच्छे से बोलो, अभी मैं करूंगा जो ये बेटा है तो स्टूडियो है। तो गाइस आज मेरे स्टूडियो में आए हैं वो जिन्होंने अपना बटन का नाप नहीं नापा, क्या कुछ भी बोल रहा हूँ, सॉरी। तो गाइस आज मेरे स्टूडियो में आए हैं वो जिन्होंने अपना बटन साइज नहीं नापा, वन एंड ओनली आकाश थापा। कैसे हो भाई? ये बाल ऐसे क्यों रखे? छी माफ करना, अभी तो गाइस मोहन भैया सिखा रहे हैं वर्षा को उनकी एक्टिंग, देखो आप। और ब्लॉग बनाने के लिए मुझे धकेल दिया, देखो। अरे हमारे गणपति जी, और अभी देखो इनका डायलॉग ये है, भगवान मेरी मेरी शादी जल्दी करवा दो। पृथ्वी सर भी बताते हुए आप बात करते हैं। आप यही सोचते हो? मुझे तो पता भी नहीं था आगे वाले क्या बोल रहे हैं। यहाँ से घूमना है, यहाँ तो अभी नजारा कान में बोलना है, ठीक? चूहे का कान में बोलना है, चूहे के कान में। नाइस एक्टिंग। क्या हुआ शमांश मामी, क्यों इतने उदास हो? तुझे बताया था क्या हुआ, मत पूछ दोबारा। कैमरे में बता दो हुआ क्या, मैं क्या बता, इलाज बता दे कोई आपका। मजाक कर रही, बता नहीं सकते। मोरिया इलाज कर दो। आपका नाम राखा? राखा, मैं आपकी दुश्मन हूँ ना। हाँ, विशाल, विशाल, विशाल। आप नहीं हो जाए दुश्मन, आप ऐसे हाथ मत रखो, मुझे डर लगता है। मैं क्या बोल रही थी आपसे? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं हूँ डोरेमोन। एक बनते नहीं छी
तो तेरे एक्ट से पहले पता पोजीशनिंग डेट पे करवानी पड़ेगी, फिर मैं अपनी टीम से एक बार भेजूंगी जो तेरा ये सब चीजें निकल लगवाएगा। अभी नहीं, मेरे को अभी कितना चू लेना इनको। ओके चलता है, चलो ओके गाइस गुड टू गो। माधुरी मैम मोदक बना रही है सबके लिए, मोमो के डब्बे में बना रही है, ऐसे ऐसे ही बनते होंगे, हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ बनते नहीं है इसलिए। अभी यामी गौतम आई है और जैकलीन आने वाले हैं थोड़ी देर में, पर जो भी आए आंटी को वेट नहीं कर सकता कोई। आंटी कह रही मुझे थप्पड़ मारूंगी खींच के मुंह पे। सॉरी औरत दीदी कौन? गाइस प्लीज सोमांस का चैनल भी है, सोमांस जंगवाल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वर्षा खुद बोलेगी तो अच्छा लगेगा। आपने बोल दिया, बस आप बोलो मैं बोलो, बात एक ही है। जा नहीं है ऐसी आंखें। व्हाट इज दिस? दिस इज माय स्टाइल। स्टाइल वाला कुछ है भी? ऐसे करो क्यों डबल की आपका जॉ लाइन दिखाना है? हां मैं दिखा देती हूं। जब तक एक्ट नहीं होता है ऐसी टेंशन रहती है। देखो कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। शुमांश के पैर पे परसों लग गई है, उसका पैर, उसका जो नीचे का हील होता है वो इंजर्ड हो गया है, और उसकी वजह से शुमांश ने कल बिल्कुल रिहर्सल नहीं की, परसों बिल्कुल रिहर्सल नहीं की, और आइसिंग की है पूरे पैर की 5-6 बार, और पता नहीं आज कैसे परफॉर्म करेगा। आई डोंट नो, बस भगवान भरोसे, बप्पा भरोसे आसमां परफॉर्म कर ले, क्योंकि उसने सिर्फ एक दिन में जो डांस सीखा था ना, उसका क्लीनिंग हुआ ना उसका प्रैक्टिस रिहर्सल हुआ, अब डायरेक्ट स्टेज पर करेंगे, बट आपके एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा कलर्स पे डांस दीवाने, और सब्सक्राइब कीजिएगा दोनों को, आकाश को भी शुमांश को भी, और वर्षा को खूब सारा प्यार दीजिएगा। वाओ थैंक यू सो मच। सो अभी विशाल का एक्ट होने वाला है एंड उसके बाद पता नहीं किसका एक्ट है। अरविंद सर से गले मिल रहे हैं हमारे शो के डायरेक्टर सर, उनसे गले मिल रहे हैं। ठीक है ठीक है, चूहा बनाए यार, बहुत सुंदर लग रही है। सूर्या जी इनका एक्ट हो गया, बहुत अच्छा गया इनका एक्ट। आप क्या बने थे? रिद्धि बने थे, सिद्धि बने थे, रिद्धि गणेश जी की वाइफ रिद्धि बने थे, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। कमेंट में बताइएगा इनकी एज क्या है। रुपेश बना रहे हैं। सरप्राइज पैकअप हो चुका है,